राजवान सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि राइट एंगल गुणिया जिसको बोलते हैं प्लॉटों में कैसे निकाला जाए। ये थोड़ी सी चीज़ सीखने वाली है, यदि आप ये सीख जाओगे इसमें आप अपने प्लॉट को कॉन्फिडेंटली नाप भी लोगे और उसके ऊपर आपका जो पकड़ है, आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर पकड़ है, वो भी आपके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो ताकि इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो ये मैं सबसे पहले लिखा है, यदि ये रोड है और रोड ये सामने पता नहीं 30 40 50 फुट की जितनी की भी हो सकती है। अब ये प्लॉट है 30 फिट बाई 40 फिट का, हमने इसका राइट एंगल निकालना है, वो कैसे निकले। इसका राइट एंगल निकालने के लिए या तो हमें पाइथागोरस की थ्योरम है जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर सारे का अंडर रूट, मतलब ये 30 आ गया प्लस 40 का इज इक्वल टू, ये दोनों का यदि टोटल लगाओ 2500, 2500 का जो स्केयर रूट है, तो 2500 का 2500 में फिर हमने क्या करना है, इसका ये 50 आ गया, इसका मतलब ये इसकी एक बाई जो ये है ये 50 होनी चाहिए। ये आप यहाँ से आप फिता रखोगे, यहाँ चले जाओ 40 फुट पे, 40 फुट पे निशानी लगा दो, यहाँ से चलो यहाँ भी 40 फुट पे, जो ये यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से यदि आप शुरू करोगे तो ये जो कॉर्नर को काटता हुआ जाएगा ये 50 फिट होना चाहिए। यदि ये 50 फिट है तो डेफिनेटली आपका प्लॉट गुणिये में नापा गया, मतलब राइट एंगल में ही है। नहीं तो यहाँ से शुरू करके जब हमने फीता पकड़ा तो ये यहाँ भी आ सकता है, इधर भी 40 फुट आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है, कहीं अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन हमने सही जगह पे निशानी लगानी है। वो कैसे लगानी है, वो यहाँ से 30 बाई 40 जहाँ से प्लॉट शुरू होना है तो वहाँ से फीता रख के दूसरे कॉर्नर तक, ये यहाँ तक का जो बेशक ये यहाँ तक का हो गए, तो यदि ये 50 है तो ये डेफिनेटली ये जो यहाँ से फीता रख के यहाँ जो आएगा 50 तक, तो यहाँ 50 पे आएगा तभी राइट एंगल में आएगा, और यदि ये इधर भी 50 में आएगा तो राइट एंगल में आएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लोगे और आपका जो प्लॉट है नापने में छोटा बड़ा भी हो सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, छोटा बड़ा कोई गांव में हो तो ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपका प्लॉट महंगी जगह पे है, सही जगह मतलब बहुत ज़्यादा महंगी जगह पे है, यदि वहाँ पर आप एक दो गज भी उसमें से मिस कर गए तो ये समझो लाखों रुपए गज के हिसाब से है, तो वो जो प्लॉट है आपको लाखों रुपए का नुकसान कर सकता है। जीरकपुर में हमारे पास एक प्लॉट था जो राइट एंगल में ना होने की वजह से उसमें तकरीबन 160 गज जगह कम थी, जबकि प्लॉट का सही था 1400 स्क्वेयर यार्ड में रोड रूड आने के बाद 160 गज जगह कम थी। अब रेट 160 गज जगह यदि कम हो और 50,000 रुपये गज का भी कमर्शियल रेट लगाया जाए तो भी 80 लाख रुपए का नुकसान होता है। सो हमने इन गलतियों से बचना है, सीखना है यार, जब आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हो, अपने हाथ में फीता पकड़ कर जरीब पकड़ कर काम करना शुरू कर देते हो, निशानदेही लेनी शुरू कर देते हो, प्लॉटों के निशानियाँ लगानी शुरू कर देते हो, ज़मीन की निशानियाँ लगानी शुरू कर देते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस भी रहता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली आप जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपने ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, आपकी मतलब लोगों में भी आपकी इज्जत रहेगी, लोगों को पता रहेगा कि इस बंदे को नॉलेज है, और ये नॉलेज होने की वजह से आपके पास आपके ग्राहक भी आ जाएंगे और आपको इज्जत करने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। जो आदमी के पास जिस आदमी के पास नॉलेज है उस आदमी को हमेशा सलूट मारते हैं लोग, उसको गुरु बोलते हैं, और जिसके पास अप्लाइड नॉलेज है, सपोज अप्लाइड नॉलेज का मतलब है इस तरीके का उसने काम करके देखा हुआ है, तो फिर तो क्या बात है, तो अप्लाइड नॉलेज इज पावर, फिर आदमी वो पावरफुल हो जाता है। तो ये किताबी ज्ञान तो है, ये किताबी ज्ञान तो ठीक है ना, लेकिन यदि आपने अपने हाथ से फीता पकड़ के ये राइट एंगल निकाल लिया, वो राइट एंगल में गलतियाँ निकाल ली, गलतियाँ ठीक करने की आप में कैपेसिटी बन गई, आप में क्षमता बन गई, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लोगों में विचर सकते हो, लोगों में बात कर सकते हो, आपको बहुत ही मज़ा आता है जब आप दूसरे बंदे के सामने आपकी लोग तारीफ़ करते हैं कि इस आदमी को यार बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये आदमी पूरा
आप विद्वान हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती, लेकिन तारीफ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने। थैंक यू।